हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम बात करेंगे एसएससी जीडी की। तो आप सभी को पता है एसएससी जीडी की नोटिफिकेशंस जो है वो आउट हो चुके हैं और पोस्ट जो है वो कितनी निकली है, 39,481 वैकेंसीज आई हुई है। तो आप सभी के लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी के जो आपके चार सब्जेक्ट्स आने होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाएगा। तो इन सभी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम बात करें हिंदी में आपको कैसे 20 में 20 लाइन, वो हम अपना प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि एसएससी जीडी का जो आपका पेपर होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देखें सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है जो कि 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके 40 नंबर के होते हैं। यहाँ पर हम बात करें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के होते हैं। फिर हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, 20 क्वेश्चंस और एज इट इज 40 मार्क्स के। इंग्लिश या हिंदी में आपको ऑप्शन होता है, आप जो भी लैंग्वेज चूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी के 20 क्वेश्चंस, और ये 40 नंबर के हो जाते हैं। मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 160 नंबर के और 1 और में कंप्लीट करने होते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल टियर 1 परीक्षा ऑनलाइन मोड में होती है। पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि मतलब इसका मोड कैसा रहेगा, ऑनलाइन मोड में होगी। बहुविकल्पी आधारित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सीबीटी परीक्षा में 60 मिनट का समय अवधि के लिए कुल 80 प्रश्नों के साथ 4 खंड होते हैं। नेगेटिव मार्किंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है ये देख लीजिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नकारात्मक अंकन भी है। मतलब अगर आप गलत करते हैं तो आपका सही नंबर में से 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी इंपैक्ट पड़ता है, इस चीज को ध्यान में रहते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। अब यहाँ पर बता दें जो GIS रीजनिंग है ये कौन पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ा रहे हैं आपके ऋषि सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। पूरा पेपर पैटर्न के आधार पर ही पढ़ाया जाएगा कि कैसा पेपर पैटर्न है, उसी तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि कुछ भी आपका छूटेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए, मनोज सर एंड उनकी टीम जो है वो ये पूरा कवर कराएंगे आपको। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नवनीत सर पढ़ाएंगे और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी इसमें मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये आपके जरूरी चीजें होंगी। यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी की कि हिंदी में कैसे आप 20 में से 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या है ये भी डिस्कस करेंगे कि हिंदी के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हिंदी के सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, हिंदी के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ जो जरूरी टॉपिक्स है जिनसे 2 से 3 प्रश्न या 1 प्रश्न जरूर जरूर पूछा जाता है, पहले हम उन टॉपिक्स के बारे में कंटिन्यू बात करते हैं। वर्तनी शुद्ध से हम बात करें तो वर्तनी शुद्ध का 1 से लेकर 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर करें। वाक्य शुद्धि की बात करें तो वाक्य शुद्धि में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि भाई वाक्य शुद्धि में वाक्य रचना क्या है, ठीक है, अर्थ के आधार पर गलत है या आपका रचना के आधार पर गलत है, वर्तनी के आधार पर गलत है, लिंग के आधार पर गलत है या कारक के आधार पर गलत है, आपको त्रुटि जाननी होती है, उसके बाद आपको वाक्य शुद्ध करना होता है। इसमें आपको थ्योरी में सारा कुछ पढ़ाया जाएगा कि कैसे आपको समझना है कि इसमें इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है। फिर आप बात करें विलोमार्थक शब्द की, विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द अतः है मतलब बहुत सारे हैं, तो इसमें आपको ऐसा कोई पैटर्न नहीं चलता है कि भाई हमने आपको कोई ट्रिक से याद करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सबसे याद करने का अच्छा तरीका क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा वाइकी पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीडीएफ ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसी प्रोवाइड की जाएंगी जो पीवाईक्यू से रिलेटेड हो, एमसीक्यू टाइप हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और इनको अच्छे से कवर कर पाए। फिर आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको कराए भी जाएंगे, थ्योरी में भी कराए जाएंगे, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ वाईटी पर भी आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हमने कहा जिसका कोई नाथ ना हो तो उसको कहा जाता है अनाथ, इस तरीके के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर के प्रश्न जो है यहाँ पर जरूर से जरूर आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर हमने बात की वाक्य रचना, ठीक है,
पहले वाक्य रचना और वाक्य शुद्धि की जब बात होती है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य रचना, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। क्यों? वाक्य रचना में हम पहले पढ़ेंगे कि वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है। तो दो प्रकार से होती है, जैसे हमने कहा रचना के आधार पर और हमने कहा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। पहले हम वाक्य की रचना किस प्रकार से होती है पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम वाक्य शुद्धि, जैसे हमने बताया है कि किस प्रकार से वाक्य शुद्धि करनी है। शब्दों के बहुवचन मतलब एक वचन है, बहुवचन है कैसे आप पहचाने, कैसे क्या करना है, तो ये भी आपको पूरा कवर कराया जाएगा। फिर संज्ञा से लेकर विशेषण तक, मतलब संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार कितने हैं, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है, क्रिया क्या है, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, जो कि क्रिया के प्रकार है, ये सब आपको एक एक करके अच्छे से थ्योरी क्लास में पढ़ाए जाएंगे, मतलब ऐप पर आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। प्रतिस्थापित वाक्य वियोज बहुत जरूरी होता है, 1 से 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको वाक्य लिखा होता है और वाक्य में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, जो आपको ऑप्शंस में एक सही वाक्य दिया होता है उससे प्रतिस्थापित करना होता है, रिप्लेस करना होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछे जाते हैं, जो कि आपसे 2 नंबर के जरूर से जरूर हर बार पूछे जाते हैं। अगर हम PYQ देखेंगे तो हम आपको जरूर यहाँ पर दिखाएंगे कि PYQ में 1 से 2 नंबर के रिक्त स्थान हर बार पूछे गए हैं। कहावतें और लोकोक्तियां, ये भी काफी सरल भी होता है और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसी कहावत या लोकोक्ति पूछ ली जाती है जो आपको नहीं पता होती। तो ये भी मेरी कोशिश रहेगी मैं ये सब आपको कवर कराऊं। अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये 3 नंबर का आता है जो कि हर बार पूछा जाता है और ये बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना मेहनत के 3 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने अपठित गद्यांश जो है वो अच्छे से पढ़ा है तो आपके ये 3 नंबर पक्के हो जाते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस नहीं रह जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम विस्तृत तरीके से हमारा सिलेबस डिस्कशन करें तो विस्तृत तरीके से आपको संधि और संधि विच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। ये संधि क्या है, संधि विच्छेद कैसे होता है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि है, आपका विसर्ग संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है, ये सब हम कवर करेंगे। फिर इनका विच्छेद कैसे होगा ये भी हम बताएंगे। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदलते, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का दल जो अर्थ है आपका वो बदलते, तो ये भी आपको प्रॉपर करवा दिए जाएंगे। पर्यायवाची और विलोम शब्द हमने आपको बताया है करवाए जाएंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी आपको कवर कराए जाएंगे। फिर आपको सांसिक पदों की रचना और समास विग्रह, समास क्या होता है, समास कितने प्रकार की है और उनका समास विग्रह क्या है, ये भी आपको कवर कराया जाएगा। विलोम शब्द ये आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस YT पर आपको ज्यादा से ज्यादा कराई जाएगी। शब्द योग वो होता है जहां पर आपके शब्द क्या है, समशुद्ध भिन्नार्थक, मतलब सुनने में समान है पर अर्थ अलग अलग होता है, तो उनको क्या कहा जाता है, शब्द योग कहा जाता है, ये भी आपको कवर कराए जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा विशेषण, इसी के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हम यहाँ पर कवर करेंगे। अनेकार्थक शब्द, कई शब्द आपने ऐसे देखे होंगे जो अनेक अर्थ देते हैं, जैसे हम कर की बात करें तो कर के अनेक अर्थ है, कर हाथी की सूंड को भी कहते हैं, टैक्स को भी कहते हैं, कार्य को भी कहते हैं, तो इस प्रकार के शब्द आपको ये भी कवर कराए जाएंगे। वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो और वाक्यगत अशुद्धियों का कारण क्या है, कि कारक संबंधी त्रुटि है, लिंग संबंधी त्रुटि है, वचन संबंधी त्रुटि है, किस प्रकार की त्रुटि है, ये भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है, तो यहाँ पर थ्योरी में ये सब आपको कवर कराया जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, जहां कर्ता प्रधान, जहां कर्म प्रधान, जहां भाव प्रधान, उनके अनुसार ही इनके नाम रखे। क्रिया सकर्मक और अकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं विशेषता पूछी गई है, तो ये आप कवर करेंगे। फिर शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्ध का शुद्धिकरण, ठीक है। फिर अंग्रेजी की परिभाषा, कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो है वो आपके अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। सरल संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में रूपांतरण करना, ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीके से दिया गया है, और जो मैंने आपको पहले बताया है मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आपसे हर बार यहाँ से पूछे जाएंगे, तो हमारा मेन फोकस जो है वो यहाँ पर रहेगा। इसके बाद हम आपको बता दें इसकी तैयारी अच्छी करने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सक्सेस ज्ञान क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, YT चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आप संकल्प बैच को परचेज कीजिए। 39,481 वैकेंसीज जो है वो आई हुई है, और यहाँ जहां तक
जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाना। तो आपके पास अभी 5 से 6 महीने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, 499 रुपए पे करने हैं और ये बैच परचेज करना है, जिसके अंतर्गत आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी आपको पूरे कवर कराए जाएंगे जीके जीएस। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी इस कोर्स अगर आप परचेज करते हैं, तो इस कोर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, क्लास के नोट्स के पीडीएफ आपको सभी को भेजे जाएंगे, एक्सपीरियंस टीचर है सारे। तो आपको क्या करना है, आपको जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, और 499 रुपए का ये कोर्स परचेज कीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो जल्दी से आप स्टार्ट कर दें, 5 से 6 महीने बाद जब आपका पेपर हो तो आप सिलेक्शन जरूर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अब हम मिलते हैं क्लास के साथ, थैंक यू।